Help, help, help. Help, help, help. ए भगवान, मैं आ रहा हूं आपके पास, या कोई किसका नहीं है। बड़ी जालिम है ये दुनिया, कोई किसका नहीं है, कोई किसका नहीं है। मैं आ रहा हूं आपके पास भगवान, मैं आ रहा हूं। पर एक बार वो सो कॉल्ड काउंसलर को फोन कर देता हूं, उसने बोला था ना जब भी कोई काम हो फोन कर लेना। हेलो। हाँ रोनित, बोलो कैसे हो, बोलो के? अरे छोड़ के जा रहा हूँ ये जालिम दुनिया, या कोई किसका नहीं है। क्या 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 क्या? अरे छोड़ के जा रहा हूं मैं। क्या 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 क्या? One second, calm down, क्या हुआ क्या है? What's happened? मेरी गर्लफ्रेंड यार इतना इंसल्ट कर दिया। अरे बोलती है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फेलियर हूं। पर यार ये सच्ची है, मैं फेलियर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। हाँ तो शी सेड दोस थिंग्स टू यू, तो क्या तो क्या सब खत्म, कोई इज्जत करता ही नहीं है, मुझे जीना ही नहीं है इधर, मुझे जीना ही नहीं है। तो पागल हो गए हो, इतनी छोटी सी बात के लिए यू वांट टू कमिट सुसाइड? रोनित, हैव यू गॉन मैड? अरे पागल तो ये जालिम दुनिया है, पागल तो ये जालिम दुनिया है। ओके लिसन टू मी, first of all, is there any sharp object next to you? तुमने तुम्हारे हाथ में कुछ है? No. All right, that's good. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। I'm so glad that you called me. लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। First of all, calm down. Have some water. Okay. And just listen to me. ये तो तुम्हारे लाइफ की शुरुआत है। And believe me when I tell you that. No. I can't. Ronit, first of all, this can't be called a relationship. Okay? You have just entered your teenage. It's a infatuation. ऐसी चीजें होती रहती है और होती रहेगी तुम्हारे साथ। You need to understand that. I love her. No, sweetheart, you can't call it a relationship. I know. I understand. तुम्हें इस वक्त बहुत hurt feel हो रहा है। You feel like everything is over for you, but trust me, it's not. ये तो तुम्हारे लाइफ की शुरुआत है। And believe me when I tell you that. रोनित, यू रिमेंबर तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुम्हारी कॉलोनी में एक बंदा है, अक्षय नाम था उसका, राइट? यस। सो हाँ, सो यू रिमेंबर यू टोल्ड मी कि बहुत एथलेटिक बंदा है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसका एक दिन एक्सीडेंट हो गया। हाँ
एंड ही लॉस्ट बोथ हिज लेग्स. अब उस हिसाब से तो उसे भी सुसाइड कर देना चाहिए था. यू नो समथिंग, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपिक्स, ही शुड हैव किल्ड हिमसेल्फ. लेकिन नहीं, ही टुक द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली एंड ही वर्क्ड हार्ड. टुडे ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द पैरा ओलंपिक्स. अगर वो चाहता तो वो भी गिव अप कर सकता था. अरे ऐसे तो और हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूं, पूरी रात निकल जाएगी देते देते. Anit, you need to understand that you can't give up. Nobody can give up. लाखों करोड़ों लोग जो रोज स्ट्रगल कर, कोई पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो कोई करियर, कोई अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है, तो कोई हेल्थ इश्यूज. Have you ever thought what about those parents जिनका 3 साल का बच्चा stage 4 कैंसर से हॉस्पिटल में जूझ रहा है? Now they should also kill themselves, right? But they don't. People don't kill themselves because suicide is not an option. It never was, it never will be an option. जब ये लोग अपने प्रॉब्लम से हर रोज लड़ सकते हैं, इफ दे कैन कीप द फेथ, व्हाई कांट यू? यू स्टिल अ यंग बॉय, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे पड़ी है. रोनित, यू रियलाइज दैट? यस. आर यू देयर रोनित? आर यू लिसनिंग टू मी? यस. I'm glad. See, Ron, you need to realize you have everything going for you. Tumhara itna achha family hai, tumhare parents itne achhe. They support you in everything you do. You have a nice home. You have everything one would wish for. Tum US जाना चाहते हो, फिल्म मेकिंग का कोर्स कर, उसका क्या हुआ? उस पर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट करते? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर फर्स्ट, रिलेशनशिप्स विल फॉलो इवेंचुअली. डोंट फोकस ऑन सम सिली गर्ल हु सेड सम मीन थिंग्स टू यू. नहीं, एक्चुअली सिली वो नहीं है, सिली तो तुम फॉर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू. अब हंसो मत, आई होप आई गॉट सम सेंस इन टू योर ब्रेन्स. चलो आई एम ग्लैड. नाउ लिसन टू मी, योर पेरेंट्स आर होम राइट, जाओ उनको जाके एक टाइट हाफ दो एंड बस दैट्स इट. रेस्ट, गेट सम रेस्ट, ओके? एंड लिसन टू मी, अगर फिर से कोई भी बात तुम्हारे दिमाग में आती है, सो जस्ट कॉल मी, कॉल मी एनी टाइम, ऑल राइट? आई एम हियर फॉर यू. ओके, टेक केयर गॉड्स एंड स्टे हैप्पी, बी हैप्पी. ओके, यू टू. So guys, like I told Ronit, suicide is not an option. It never was, and it never should be.
क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन इज लाइक एनी अदर डिजीज, इट कैन बी ट्रीटेड मेडिकली, और अगर आपके आसपास में, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, अगर आपके फैमिली कोई भी थोड़े भी साइंस डिप्रेशन के शो कर रहा है, सो प्लीज रीच आउट टू दैट पर्सन, उससे बात कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसे समझाने की कोशिश कीजिए, और अगर तब भी बात नहीं बनती, सो प्लीज गेट प्रोफेशनल हेल्प, गो टू अ काउंसलर, गो टू अ साइकेट्रिस्ट, दे विल हेल्प यू एंड योर लव्ड वंस. And you have to always remember that suicide is an absolute no-no. Take care, guys. Stay positive and stay happy.